हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के ही एक टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है हमारा कौन सा, इनलाइन फंक्शंस। ऑलरेडी दो टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, दैट वाज डिफॉल्ट आर्गुमेंट और सेकंड जो था वो था फंक्शन ओवरलोडिंग, और ये उसी सीरीज में यानी फंक्शन चैप्टर के सीरीज में हमारा तीसरा टॉपिक है इनलाइन फंक्शन। फिर से वही बात मैं कहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इसका, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसकी थ्योरी भी लिखनी है, मतलब इसका डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इनलाइन फंक्शन होते क्या है। देखिए, इन लाइन यानी कि लाइन में ही, अगर आप समझना चाहें तो ऐसे को समझ सकते हैं कि इन लाइन मतलब लाइन के अंदर ही। मतलब क्या होता है, देखिए होता क्या है कि हम जो फंक्शन बनाते हैं, ध्यान समझिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप डेफिनेशन खुद से ही बना सकते हैं। अगर नहीं समझा तो फिर मैं डेफिनेशन भी बना ही दूंगा, मतलब मैं समझाऊंगा भी और डेफिनेशन तो लिखूंगा, लेकिन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि अगर आपने कोई एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, हम फंक्शन क्यों लिखते हैं, ताकि मेमोरी स्पेस बचे, है ना, कोड की रिडंडेंसी नहीं हो, यानी बार बार एक ही कोड नहीं लिखना पड़े, ठीक है, यही मेजर हमारा रीजन होता है कि हमारी कोड की जो रिडंडेंसी, यानी बार बार जब हम कोड क्या करेंगे, लिखेंगे, अब ऐड का फंक्शन एक बार लिख लेते हैं, जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल करते रहते हैं, है ना, तो दैट मीन्स हमारा कोड का रिडंडेंसी बचा, कोड की लेंथ बची, हमारा स्टोरेज बचा, इसके लिए हम यूज करते हैं किसको, फंक्शन को, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आपके पास आपने एक ऐड फंक्शन लिख रखा है, सपोज कीजिए, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, void add, ठीक है, इसमें इंटीजर टाइप पे आपके पास एक a आ रहा है, इंटीजर टाइप पे आपके पास b आ रहा है, और इसके अंदर आप बहुत सारे फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आप फंक्शन लिखते हैं और जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ऐड फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो आप यहाँ पे वैल्यू 5 और 6 डालते हैं। तो जब भी किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, वेन एवर वी कॉल एनी फंक्शन, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो फिर आपको इनलाइन फंक्शन समझ में आ जाएगा। सो व्हेनेवर वी कॉल अ फंक्शन, यानी जब भी हम एक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करता है हमारा कंपाइलर इंटरनली, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन इंटरनली बहुत सारे वर्क को हमारा कंपाइलर क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो व्हेन, चलिए मैं इसको डेफिनेशन ही कर देता हूं, ठीक है, डेफिनेशन में ऐसे लिखते चला जाऊंगा, समझाते ओके, थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन होगा इसका, लेकिन ईजी होगा। होता क्या, देखिए, अ फंक्शन इज यूज्ड टू, यानी फंक्शन का यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, अ फंक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस कोड रिडंडेंसी, ठीक है, यानी कोड की रिडंडेंसी को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, रिडंडेंसी, राइट। सो अ फंक्शन, यानी फंक्शन को यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए, किस चीज को, कोड की रिडंडेंसी को, एज वेल एज टू सेव द मेमोरी स्पेस, साथ ही साथ इसलिए, एज वेल एज टू सेव The memory space, यानी क्या करने के लिए, memory space को क्या करने के लिए, save करने के लिए भी इसका use किया जाता है, किसका, function का। अभी मैं inline function पे नहीं आ रहा हूं, ठीक है, अभी देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। When a function is invoked, यानी कि जब एक function क्या होता है, call होता है, invoked, a bunch of task is performed, which, जैसे बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे मैचिंग आर्ग्यूमेंट्स की, भैया आपने यहां जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उतना यहां पे इसने पास किया है कि नहीं किया है, बताओ गंजी, विच मैचिंग आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आर्ग्यूमेंट मैच करता है कि जितना आपने यहां से भेजा है उतना ही यहां पे है या नहीं है, तभी तो आगे काम होगा, अदरवाइज एरर शो करेगा, ठीक है, मैचिंग आर्ग्यूमेंट कॉमा, साथ ही साथ हो सकता है कि आपने यहां कुछ रिटर्न भी दिया हो तो मैचिंग returns, ठीक है, यानी कि रिटर्न को भी मैच करेगा कि आप जो अगर रिटर्न टाइप दिए हुए हैं तो रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड पासिंग द कंट्रोल्स, यानी कंट्रोल्स क्या करते हैं, पास करते हैं, पासिंग द कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग प्लेस टू डेफिनेशन, फ्रॉम कॉलिंग टू डेफिनेशन एंड वाइस वर्सा, डेफिनेशन एंड वाइस वर्सा, राइट। मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए बहुत सारी चीजें होती होंगी, लेकिन हम कितना हमें कितना पता है, मैं मुझे जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या होता होगा। तो पहले आर्गुमेंट चेक करता होगा, अच्छा भैया यहाँ से दो जो है भेजा गया है तो यहाँ दो ही है ना, हाँ यहाँ दो ही है, ये पहली चीज सही है। अच्छा यहाँ से आर्गुमेंट नहीं भेजा गया तो यहाँ ऐसा तो नहीं कि आर्गुमेंट स्टोर करने वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से इसको भेजो कहाँ पे, जहाँ पे इसका डेफिनेशन है, सारा एग्जीक्यूट होने के बाद वापस इसको फिर से कंट्रोल को यहाँ लेके आओ और उसके बाद आगे चलो। तो मतलब क्या हुआ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आपको पास किया जाता है कि इसको कंट्रोल को कहाँ से, कॉलिंग टू डेफिनेशन, यानी फंक्शन कॉल से लेके कहाँ तक, फंक्शन के डेफिनेशन तक भेजना कंट्रोल को, कंट्रोल मतलब एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को, और फिर वापस आना, मतलब वहां से फंक्शन से कहाँ आना, आपके कॉलिंग प्लेस तक आना, ताकि आप आगे की चीजों को क्या कर सको, एग्जीक्यूट कर सको। ये सारे काम जो है वो एक बार जब आप फंक्शन कॉल करते हो, सोचो इन सारे काम को परफॉर्म किया जाता है, विच इज टाइम कंज्यूमिंग व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर वेरी लेस इन द फंक्शन डेफिनेशन, जो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बट व्हेन, लेकिन जब फंक्शन डेफिनेशन इज वेरी लेस, सर फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ हार्डली one or two statements, hardly one or two simple statements, then this bunch of task, कौन सा, ये जो हम कर रहे हैं, ये जो bunch of task हम कर रहे हैं, this bunch of task appears to be time consuming, क्या होता है, लगता है बहुत time लेगा, है ना, appears to be time consuming, मतलब दो लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या काम होगा, आर्गुमेंट की जो है मैचिंग होगी, रिटर्न टाइप की मैचिंग होगी, कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो इसी टाइम को बचाने के लिए, हेंस इन ऑर्डर टू सेव दिस टाइम, इस टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, C++ हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी C++ का कॉन्सेप्ट है कौन सा, हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइन फंक्शन, यानी हमारे पास इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है C++ में, ठीक है। नाउ व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनलाइन, यानी कि जब एक फंक्शन को आप इनलाइन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनलाइन, यानी कि जब आप किसी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करते हैं क्या होता है, ध्यान समझिएगा, द फंक्शन बॉडी, यानी जो फंक्शन में लिखा हुआ है, फंक्शन बॉडी is replicated at function call, at function calling place, यानी कि function calling place पे ही function के body को replace कर दिया जाता है, मतलब जहां से आप function को call कर रहे हैं ना, तो वो function में अगर एक line लिखा हुआ है तो वो एक line ही यहां पे चलाएगा। तो मतलब आर्गुमेंट को मैच करने का चक्कर, रिटर्न टाइप को मैच करने का चक्कर, फिर से वहां जाके कंट्रोल को वापस लाने का चक्कर क्या हो जाता है, बच जाता है। यही बेनिफिट होता है इनलाइन फंक्शन का, कि इनलाइन फंक्शन से हम टाइम बचा लेते हैं फंक्शन को इनवोक, मतलब फंक्शन को कॉल करने से लेके और सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से लेके और बाद में वापस आने तक का टाइम बचा लेते हैं, ठीक है। यही होता है आपको इनलाइन फंक्शन का फायदा, फिर से समझिएगा, व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनलाइन, जब किसी फंक्शन को आप इनलाइन बना देते हैं, द फंक्शन बॉडी, यानी फंक्शन में आपने जो कुछ भी लिखा था, इज रेप्लिकेटेड, वो चला आता है, कहां पे इसको रेप्लिकेट कर दिया जाता है, कहां पे इसको डाल दिया जाता है, जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि फंक्शन के पास जाने का टाइम, फंक्शन से वापस आने का टाइम, फंक्शन में जो आपने आर्गुमेंट्स दिए उसको मैच करने का टाइम, रिटर्न टाइप को मैच करने का टाइम, ये सारा क्या होता है, बच जाता है और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। यही है बेनिफिट किसका, इनलाइन फंक्शन का। लेकिन एक कंडीशन है इनलाइन फंक्शन बनाने का, क्या है, एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि इट मस्ट कंटेन हार्डली वन टू टू सिंपल स्टेटमेंट, एक से दो स्टेटमेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उसमें आप लूप नहीं लगा सकते, उसमें आप वाइल कोई वाइल नहीं, फॉर नहीं, डू वाइल लगा सकते हैं, नहीं ब्रेक नहीं स्विच, मतलब बिल्कुल सीधा सा स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं होगा बिल्कुल। मतलब इसका कंडीशन ये है कि अगर आपने सिर्फ एक लाइन का कोई फंक्शन डेफिनेशन था या हार्डली दो लाइन का डेफिनेशन था, तो ही उसको वो ट्रीट करेगा एज अ इनलाइन फंक्शन,
अदरवाइज उसको वो इनलाइन मानेगा ही नहीं, भले ही आप जबरदस्ती उसको इनलाइन बना दीजिए, लेकिन आपका कंपाइलर उसको इनलाइन ट्रीट नहीं करेगा। ट्रीट करने का कंडीशन क्या है भैया, एक लाइन या मैक्सिमम दो लाइन, और अगर वो भी सिंपल, ना कि वाइल घुसा दिया डुबाइल घुसा दिया, नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल लाइन होने चाहिए, राइट। तो ही मैं उसे मानूंगा, कंपाइलर करता है तो ही मैं मानूंगा कि वो क्या है, इनलाइन फंक्शन है। और इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए हम जो है वो इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं, ये भी कहीं डेफिनेशन में लिख दीजिएगा। टू मेक अ फंक्शन इनलाइन, यहां लिख सकते हैं टू मेक अ फंक्शन इनलाइन, यानी किसी फंक्शन को इनलाइन अगर बनाना है, फंक्शन इनलाइन वी यूज इनलाइन कीवर्ड। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किस चीज को, इनलाइन कीवर्ड, यानी इनलाइन खुद एक कीवर्ड है, इनलाइन कीवर्ड बिफोर द फंक्शन, बिफोर द फंक्शन कहां पे यूज करते हैं, फंक्शन के पहले यूज करते हैं। तो इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए हम इनलाइन कीवर्ड को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी, इसका आपको थ्योरी लिख दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको एक छोटा सा ही सही लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए, फिर एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बता के आपको बताता हूं कैसे आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अपना फ्यूचर तलाशते हैं, तो उस केस में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशंस में यानी कि इंटरव्यूज में आते हैं, कैसे आप अपनी कोर्सशिप की रैंकिंग को इम्प्रूव करेंगे, और किस तरीके से आप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के हायरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके लिए अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे आपको जस्ट 999 पर ईयर में मिलते हैं आपको इन सारे चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी, जो लाइव शोज होते हैं, और ये है उसका स्केड्यूल। इस स्केड्यूल को आप फॉलो करके लाइव शोज में आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, आपको बड़े बड़े कंपनियों के एचआर के साथ आपकी लाइव सेशंस होंगे जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, कैसे आप अपनी कोर्सशिप की रैंकिंग इंप्रूव करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। बड़े बड़ी कंपनी है जैसे अमेजन, गूगल, लिंक्डइन की क्या हायरिंग प्रोसेस होती है, कैसे आप उनके हायरिंग को क्रैक करेंगे, और जो भी हमारे यहाँ पे होस्ट होते हैं वो सारे के सारे लगभग 7-star कोडर्स होते हैं, और जो आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बताया करेंगे। सो इन चीजों के लिए आपको आना पड़ेगा unacademy.com के वेबसाइट पे, और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही क्लिक करेंगे वो एक स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 12 मंथ का 999 कॉस्ट है, और जैसे ही यहाँ पे यहाँ डालेंगे कोडिटअप जो कि मेरा रेफरल कोड है, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और ये कोर्स आपके लिए हो जाएगा जस्ट 75 पर मंथ, यानी ₹899 फॉर होल ईयर। हमारे टॉप एडुकेटर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कैरियर को आगे लेके जाएंगे। और क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये बड़े बड़े ऐप्स होते हैं लाइक जोमेटो, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, प्रैक्टो, आखिर इनको कैसे बनाया गया था, क्या इसके पीछे की थॉट प्रोसेस थी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अनुज गर्ग जो है वो हर सैटरडे और संडे 1 बजे बताते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे इन सब चीज़ों की थॉट प्रोसेस थी, कैसे इन सारे ऐप्स को बनाया गया, क्या उसकी बेस लाइंस रही थी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन डिटेल में अनुज गर्ग बताते हैं हर सैटरडे और संडे 1 बजे। तो चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखते हैं, और ऑब्वियसली बात है डेमोन्स्ट्रेशन है तो यहाँ सीधे मैं लिख देता हूँ इट इज अ डेमो प्रोग्राम, यानी कि बस इससे आपको समझ में आएगा कि इनलाइन फंक्शन कैसे काम करता है। बस चलिए सबसे पहला लाइन आपको पता है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, राइट। फिर सेकेंड लाइन हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब देखिए फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं, फिर मेन लिखते हैं, और फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आज तक मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि आप यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं, फिर मेन लिखते हैं, और फिर जहां मेन खत्म होता है उसके बाद आप फंक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप प्रोटोटाइप नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ स्क्वायर नाम का फंक्शन वॉइड। अब आप बोलोगे सही जगह क्यों छोड़ा, तो लो मैं बता ही देता हूं मुझे इसको इनलाइन बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ इनलाइन के लिए जगह छोड़ी थी, ठीक है। बाकी सेम सब कुछ सेम होगा, void मान लो स्क्वायर या void में कहते हैं, यहाँ इंटीजर करता हूं मैं, रिटर्न टाइप कर देता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप करो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इनलाइन इंटीजर, मान लो फंक्शन का नाम है स्क्वायर, और इसमें जो है हमारे पास मान लो इंटीजर का हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहीं पे हम इसका डेफिनेशन लिख देंगे। अगर यहाँ पे देखो सेमीकोलन लगा दिया तो ये क्या बन जाता है, प्रोटोटाइप, राइट। अब इसको इसके बाद इसके नीचे मेन लिखोगे, मेन लिखने के बाद फिर जब मेन यहाँ खत्म होगा वहां पे इसका डेफिनेशन लिखोगे। लेकिन अगर आप इसी को यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो तो बस यहाँ सेमीकोलन मत दो, और जो भी आप इसे करवाना चाहते हो यहीं पे लिख दो। तो मुझे बस यहाँ क्या कर देना है, रिटर्न करना होगा किसको, ए इंटू ए को। तो ए इंटू ए करेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, और मैंने यहाँ कहा था रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर टाइप का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर मैं क्यूब निकालना चाहूँ तो क्यूब भी कर सकता हूँ इंटीजर, सॉरी सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये फंक्शन इनलाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इनलाइन, ठीक है, इंटीजर टाइप है, रिटर्न टाइप है, क्यूब नाम का फंक्शन है, और यहाँ इंटीजर टाइप का मान लीजिए एक ए आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात इसमें क्या रिटर्न होगा, तो इसमें रिटर्न होगा क्या, ए इंटू ए इंटू ए, क्यूब का मतलब ए टू द पावर 3, राइट। अब आते हैं इंट मेन पे, ये हो गया मेरा इंट मेन, कुछ नहीं करना है, देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लेना है, तो मैं सीधे यहाँ पे चाहूँ तो सी आउट से क्यों ना एसोसिएट कर दूँ, सी आउट व्हाट स्लैश एन स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट, आप यहाँ से क्या कर लो, स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है, और किसको पास कर लो, 5 को पास कर दो। तो अब क्या होता है, देखो जब यहाँ से आप स्क्वायर फंक्शन कॉल करते हैं तो मैंने यही बताया था ना कि ये 5 जो है वो कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, फिर यहाँ से ए इंटू ए को रिटर्न करेगा, तो यहाँ इंटीजर टाइप को रिटर्न है तो वापस लौट के ये यहाँ पे लेके आएगा, लंबा चौड़ा काम। अब चूंकि आपने इसको इनलाइन बना दिया है, ये रिटर्न ए इंटू ए ही यहाँ पे उठ के आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट में 5 चेंज हो जाएगा, किससे, इंटरनली चेंज होगा, आपको दिखेगा नहीं, ए इंटू ए से, तो ए इंटू ए को जब रिटर्न कर रहा है तो 5 × 5 = 25, यहीं पे 25 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा। क्या फायदा हुआ, फंक्शन तक जाने का, आर्ग्यूमेंट असाइन करने का, रिटर्न चेक करने का, वापस होके आने का, ये सारा टाइम क्या हो गया, बच गया, तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक और लाइन लिख लीजिए, क्या स्लैश एन क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू, जरूरी नहीं कि 5 का ही लिखेंगे, वो आपकी मर्जी है आप क्या लिखेंगे, मैं 5 लिख रहा हूँ तो जरूरी थोड़ा ना आप भी 5 लिखेंगे, आप जिसका भी जो भी नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो नंबर दे देंगे और यहाँ से वही वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे ही क्यूब फंक्शन आपने कॉल किया, ये लाइन रिटर्न ए इंटू ए यहाँ पे चलाएगा, 5 × 5 = 25 × 5 = 125, यहीं पे हो जाएगा, तो यहाँ से 5 का ए में जाने का, फिर ए इंटू ए कैलकुलेट करके रिटर्न करने का, और फिर रिटर्न लेके वापस यहाँ आने का टाइम क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। सो इन लाइन फंक्शन से फायदा क्या है हमें, कि प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन हमारा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अब आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, एडिशन सबट्रैक्शन प्राइम वगैरह, छोटा मोटा प्रोग्राम एरे का लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब बड़ी बड़ी कोडिंग की जाती है, जो मतलब हजारों लाइनों की कोडिंग होती है, वहां पे इसका फायदा समझ में आता है, ठीक है। अब यहां से बस आप क्या करेंगे, गेट सीएच कर लेंगे स्क्रीन होल्ड करने के लिए, ताकि आप मतलब जो आंसर है वो देख सके, और यहां से कर देंगे रिटर्न 0, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेटेड व्हाट, सक्सेसफुली। तो ये है आपको इनलाइन फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट, चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए हम टर्बो C++ का एनवायरनमेंट यूज करेंगे, और इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट टर्बो C++ पे, आपका टर्बो C++ ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्वायर का एक इनलाइन फंक्शन बना रखा है, क्यूब का एक इनलाइन फंक्शन बना रखा है, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ऑफ 5 और स्क्वायर क्यूब ऑफ 2 निकाला है, और बिल्कुल ये वही सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने किया। ऑल्ट F9 से कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 से रन करते हैं, देखिए स्क्वायर ऑफ 5 = 25 एंड क्यूब ऑफ 2 = 8, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।